जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहते हैं आई फैक्चनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर साहब जो कि हमें ये बताएंगे कि एक आम गाड़ी और रेस गाड़ी जो कि रेसिंग ट्रैक्स पे चलती है भागती है ये वाली इसमें क्या फ़र्क होता है रेस कार की स्पीड को बढ़ाने के लिए इंजीनियर्स क्या करते हैं और एक रेस कार को डिज़ाइन करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेस कार और जो हवाई जहाज़ होता है उनमें क्या चीज़ें मुशतरक होती हैं या फिर अपोज़िट होती हैं तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल वेलकम डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि एक आम गाड़ी और रेस कार में क्या फ़र्क होता है थैंक यू डॉक्टर साहब आम गाड़ी और रेस कार के अंदर जो मेन डिफरेंस है कि एक एक रेस कार जो है वो हाई स्पीड को अचीव कर सकती है विद इन फ्यू सेकेंड्स जो कि आम कार के अंदर पॉसिबल नहीं होता अब इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं कि एक जो कार है वो विदिन सेकेंड्स हाई स्पीड अचीव कर ले और जो है मैक्सिमम स्पीड पे जा सके उसके लिए हमें एरोडानेमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ता है सो रेस कार इज़ बेसिकली मोर एफिशिएंट देन अ ट्रेडिशनल और कॉमन कार एरोडायनामिकली कार को एफिशिएंट करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं हम उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ठीक है जी और डॉक्टर साहब ये जो आपने वर्ल्ड यूज़ किया है कि हम एरोनामिक उसे बनाने की कोशिश करते हैं तो वो व्यूअर्स जिनको नहीं पता कि एरोडाइनमिक क्या होता है आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रम्प से क्या पना? बनता है बेसिकली एरोडानेमिक से मतलब ये है कि एफिशिएंसी इंप्रूव करने से मतलब ये है कि हम उसके अंदर वो फोर्सेस जो कि कार की स्पीड बढ़ाने के लिए उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल हैं उन पैरामीटर्स को हम इंप्रूव करते हैं और वो फोर्सेस जो कि कार की एफिशिएंसी को डिक्रीज करती हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं सो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ द फोर्सेज देर इज़ वन इज़ डाउनवर्ड फोर्सेज हम डाउनवर्ड फोर्सेस को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और जबकि इज अनदर फोर्स विच इज ऑपोजिट ऑफ डाउन फोर्स इज ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स इज ऑपोजिट ऑफ डाउनवर्ड फोर्स एंड इट ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द द कार कार और ऑफ सो वी ट्राई टू रिड्यूस देंसी ड्रैग फोर्स एंड इंक्रीज द डाउनवर्ड फोर्स बिल्कुल ठीक है जी और डॉक्टर साहब इसमें क्या कोई हवा की रेजिस्टेंस भी आती है एयर रेजिस्टेंस <coughs> का भी ताल्लुक होता है एयरामिक्स से या नहीं अब देखिए हम डाउनवर्ड फोर्स जो है उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रेस कार कार्जैक्टली अपोजिट टू द अपलिफ्टिंग ऑफ द एयरप्लेन और ये दोनों बेस्ड है ब्रोकलीस प्रिंसिपल पे ब्रोकलीस प्रिंसिपल ये है कि जब हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक फ्लोइड इट कुड बी एन एयर और इट कुड बी अ वाटर मूव कर रही है तो उसके ऊपर अगर जिस तरफ से फ्लो जो है या स्पीड जो है फ्लूड का कम होगा वो साइड जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगी दूसरी साइड पे जहाँ पे एयर प्रेशर जिस जहाँ पे स्पीड ज़्यादा है तो जहाज़ में क्या होता है बेसिकली कि विंग के डाउन साइड पे जो फ्लो ऑफ एयर है वो स्लो होता है जबकि अप साइड पे एयर फ्लो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो डाउन साइड है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है विंग के ऊपर फ्लैप के ऊपर टवर्ड्स अप साइड जिसकी वजह से हमारा जहाज़ जो है उसकी अपलिफ्ट होती है तो अपर डायरेक्शन द सेम केस हम अप्लाई करते हैं गाड़ी के ऊपर गाड़ी के अंदर क्या होता है कि गाड़ी के चेसिस और जो रोड स्ट्रक्चर है उसके दरमियान एयर का प्रेशर जो है वो कम होता है वो कैसे कम होता है कि वहाँ पे एयर का फ्लो फास्ट कर दिया जाता है जबकि अप साइड से एयर का फ़्लो स्लो होता है जिसकी वजह से गाड़ी एक डाउनवर्ड प्रेशर लगाती है और जिसकी वजह से उसको एक ड्रिफ्ट मिलता है स्पीड इंक्रीज होती है और उसे पुश मिलता है आगे की तरफ मूव करने के लिए बिल्कुल ठीक है जी अच्छा जी डॉक्टर साहब अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो ड्रैग फोर्स होती है इसका क्या रोल होता है स्पीड तेज करने के लिए एक आम गाड़ी की स्पीड तेज करने के लिए या फिर जो हमारा आज का टॉपिक है कि रेस कार्स को ज्यादा Uh, जल्दी या uh, उसको एसोलेट करने में ड्रैग फोर्सेस का uh, क्या रोल होता है बेसिकली जो ड्रैग फोर्स है इट हैज़ ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द रेस कार और द एफिशिएंसी ऑफ द रेस कार सो नीड टू रिड्यूस द ड्रैग फोर्स ड्रैग फोर्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं कि हम डाउनवर्ड फोर्स को और एंगल ऑफ अटैक को हम मिनिमाइज करें एंगल ऑफ अटैक मिनिमाइज़ होगा तो उस सूरत में हमारे पास ड्रैग फोर्स मिनिमाइज़ हो जाएगी और हमारा डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा हो जाएगा सो एंगल ऑफ अटैक से क्या मतलब है कि हमारा अगर एंगल ऑफ अटैक यानी कि अगर हमारी एयर जो है वो 90 की डिग्री पे टकरा रही है हमारे बॉडी के साथ तो उस सूरत में क्या होगा ड्रैग फोर्स ज़्यादा जनरेट होगी तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने देखा होगा कि जहाज़ के अंदर भी और क्या कहते हैं गाड़ियों के अंदर भी थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया जाता है शेप को जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स कम हो जाती है और गाड़ी की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है बिल्कुल ठीक है जी इसका मतलब ये जो हमने गाड़ियों को कर्व्स बनाए होते हैं ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते बल्कि ये उसको एफिशिएंट करने के लिए भी जी जी। डिजाइन किया जाता है और इसमें से ज्यादा रोल डिजाइन का होता है जी जी, जी। बिल्कुल आप अब, अब दिस, इसको डॉक्टर साहब हम ऐसे भी कह सकते हैं ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है अल्लाह तला की जो ज़ात है वो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर है अल्लाह ताली ने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है जो फ़िश है जो समुंदर के अंदर जो पानी के अंदर मूव करती है उसको एक चपटी भी तो हो सकती है ना वो लेकिन आप देखेंगे उसके एक पर्टिकुलर एंगल पर उसकी डिज़ाइन की होता है उसकी एक शेप बनी होती है उसका यही मकसद होता है कि जब वो पानी के अंदर मूव करे तो इट शुड फेस देर दे इट इंक्रीज़ द एंगल ऑफ अटैक एंड इट फेस द मिनिमम ड्रैग और इस तरह से ये मूव कर सकती है उसी कंसेप्ट को लेते हुए आपने देखा होगा कि प्लेन जो है उसका भी जो फोर हेड है उसका जो फ्रंट है वो एक फिश की शेप का होता है हमेशा क्योंकि इट विल द ड्रैग फोर्स बिल्कुल ठीक है जी अच्छा डॉक्टर साहब ये जिस गाड़ियाँ होती है उसमें तो कर्व्स बने होते हैं जी। लेकिन जिस तरह रेसिंग कार्स है उनका सामने से अगर हम देखें जिस तरह कार, का क्यों होता है ये के लिए, क्या फोर्स कम करने के लिए है, या इसके पीछे ये जो इसका... अच्छा अब ये जो ये कार बनी हुई है एक तो ये हमारे पास एक सॉलिड स्टेट बॉडी होगी तो सूरत में क्या होगा जब एयर आके टकराएगी तो डेफिनेटली इट रेजिस्टेंस अब इसको रेजिस्टेंस को हम ऐसे ये शेप दे के उस फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि जो हमारे एयर है उसको पैसेज मिल जाए फॉर एक्जाम्पल जो येलो स्ट्रिप नज़र आ रही है गाड़ी के अंदर ये वहाँ से उसको पैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है एयर को ताकि हम रजिस्टर्स कम कर सकें इसी तरह से जो अब जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको इंक्रीज़ करने के लिए आप देखेंगे विंग्स लगे होते हैं ना जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं रेस कार वो किस लिए होते हैं वो जब विंग्स बनेंगे तो उसके ऊपर डेफिनेटली एरिया क्रिएट होगा जिसमें निचले वाली साइड पे एयर प्रेश एयर फ्लो जो है ज़्यादा होगा और ऊपर वाली साइड पे एयर फ्लो कम होगा जब ऊपर वाली साइड पे एयर फ्लो कम होगा तो ऊपर वाली साइड से एयर प्रेशर एग्जर्ट होगा हमारी कार के ऊपर और वो देर विल बी अ नेगेटिव लिफ्ट इट विल रिजल्ट मोर पुश ऑफ द फ्लोर टूवर्ड्स द रोड एंड इट विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर कार बिल्कुल ठीक है जी थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब क्या आज आपने हमें बताया कि रेस कार्स किस तरह डिजाइन की जाती हैं उनमें किन किन एलिमेंट्स का ख़्याल रखा जाता है किन किन फोर्सेस को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कौन कौन से फोर्सेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से एक रेस कार बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकती है दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि रेस कार कैसे ऑपरेट करती है थैंक यू वेरी मच आपने हमें इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया uh, डॉक्टर साहब का जो चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है काइंडली इनके चैनल को जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया uh, दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे गुड डे